रहायशी आबादियों के खिलाफ कहीं भी कोई ऑपरेशन नहीं होगा। झुग्गियों और कम दर्जे के रहायशी आबादियों को ना छेड़ा जाए। गैर कानूनी कमर्शियल काबजीन के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाए। सीनियर सूबाई वजीर बल्दियात अब्दुल अलीम खान के डिप्टी कमिश्नर को हदायत। नेशनल काउंसिल बराए तिब का बड़ा इकदाम, हकीमों और जराहों की हड्डी जोड़ समेत मामूली सर्जरी पर पाबंदी आयद कर दी गई। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने विफाकी मोहतसिब को हकीमों और जराहों के खिलाफ दरख्वास्त दी थी। नेशनल काउंसिल बराए तिब ने विफाकी मोहतसिब के रूबरू पेश होकर पाबंदी का ऐलान किया। बल्दियाती नुमाइंदों के लिए खजाना खुल गया। लाहौर समेत पंजाब की 4015 यूनियन काउंसिल्स को 1 अरब 20 करोड़ रुपए जारी। फंड सितंबर के पीएफ शेयर के तहत रिलीज किए जाएंगे, नोटिफिकेशन जारी। डेंगू के वबा से बचने के लिए इंतजामिया ने कमर कस ली। कमिश्नर लाहौर डॉक्टर मुश्तबा पराचा की जेर सदारत डेंगू से मुतालिक इजलास। इंसदाद डेंगू सरगर्मियों पर फिर टीमों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। एलडीए गवर्निंग बॉडी की तश्कील नो का मामला, 4 माह बाद भी एलडीए गवर्निंग बॉडी की तश्कील नो ना की जा सकी। डीजीएलडीए ने वजीर आला पंजाब को समरी अरसाल कर दी। और खयाबान अमीन हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन की सुनी गई। नैब लाहौर दफ्तर में लेटर अलॉटमेंट तकसीम करने की तकरीब। डीजी नैब ने 200 से ज्यादा मुतासरीन में मालिकाना हकूक के लेटर तकसीम किए।